सोमवती अमावस्या पर प्रयागराज के संगम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान कर देश और परिवार के सुख शांति की कामना की। आपको बता दें, सोमवती अमावस्या पर भक्त पीपल और भगवान शिव पार्वती की पूजा करते हैं। महिला इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है। नवरात्रि से पहले सोमवती अमावस्या पर इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। दूर दूर से संगम में आए भक्तों ने स्नान ध्यान और पूजा पाठ किया और परिवार के सुख शांति की कामना भी की। हमारे ज्योति महिलाएं हैं तो भागवती महिलाएं वो संगम स्नान करती हैं और पति की आयु वृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए व्रत करके पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करती हैं। उसकी 108 परिक्रमा भी करती हैं, जो नहीं कर सकती तो 54 करती है, नहीं 27 या 21 कम से कम करना ही चाहिए। एक करके उनको बड़ा लाभ मिलता है, मानसिक स्थिति अच्छी होती है, बीमारी दूर होती है। पीपल की तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन देता ही है, इसलिए वहां पर जाने से पूजा करने के हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, परिवार के मंगल कामना भी होती है और पितरों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। पति की लंबी आयु के लिए, अपने सौभाग्य के लिए और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। पति के उन्नति तरक्की के लिए होती है। सोमवती अमावस्या की 108 बार फेरी लगती है और सुहाग के सामान की लगती है, खाने पीने के सामान की लगती है। सोमवती अमावस्या अपने सुहाग के लिए होता है।